आज हम आपको एक स्पेशल केस दिखाते हैं। इनके थोड़े दिन पहले नल से यानी कि हैंडपम्प से लग के इनके दो दांत ही टूट गए थे, तो जिन्हें इन्हें बाद में रिमूव करवाना पड़ गया था कुछ ख़राब होने की वजह से। आज ये अब हमारे पास आए हैं, इनमें हमें टूथ लगाने हैं। हालांकि इस कंडीशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम इम्प्लांट करते जब ऐसे केस में हम बिना किसी बगल के टूथ को डिस्टर्ब किए, लेकिन इन पेशेंट की इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ये पैसे से थोड़ा सा तंगी में है, तो हम इनके बेस्ट इनके हिसाब से जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा हम वो देने की कोशिश करेंगे, और रिजल्ट क्या होगा वो हम लास्ट में देखते हैं। वीडियो शुरुआत करते हैं काम को। अभी हम ये बगल के दो टूथ को हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर हम ब्रिज दे सकें। हम यहाँ पे जरकोनिया का भी ब्रिज नहीं दे रहे हैं, इनके बजट से वो भी जा रहा था। इनिशियल कैड कैम सिरेमिक के क्राउन लगा रहे हैं और क्राउन का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं। हमारे भैया लाल इन पेशेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सर मुझको दांत चाहिए फिक्स जो निकले ना और देखने में अच्छे लगे और बजट बहुत कम है, सबसे सस्ते में जो हो रहा है। कैसा लग रहा है? नंबर एक। एकदम बढ़िया लग रहा है जी सर। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर। नहीं, हम कुछ नहीं कहोगे? अब इतना अच्छा लग रहा है क्या करूं। अच्छा। क्या कहूं सर। इनका आज टूथ लगा, ब्रिज लगा, इनका इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी कम अच्छी थी, सामने के दो टूथ गैप थे और जिनमें कि होना तो प्रॉपरली इम्प्लांट चाहिए था, पर इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से हमने ब्रिज की तरफ गए, ट्रेडिशनल ब्रिज पे जिसमें अभी जरकोनिया नहीं नॉर्मल क्राउन लगाए गए PFM के, और इन्होंने थोड़ा सा रिबेट मांगा, जितना हमने रिबेट नहीं दिया उससे ज़्यादा का फिर इन्होंने मिठाई ला के खिलाया, इस बात पर इनके दांत बहुत अच्छे हो गए। तो इनका दिल बहुत बड़ा है, दिल से बहुत अमीर है ये भैया लाल। एक बार हंस के आप अपना था खुश हो, दांत दिखाओ बड़े। चलिए थैंक यू। इसलिए आया तुम? दांत लगाए इसलिए। अरे चलो भाई सब लोग खा लो। भैया लाल खुश हो दांत लगा के? कितने खुश हो गए मिठाई?